अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ वासु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे के एस एस बी कॉन्स्टेबल पोस्ट्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है डेट एक्सटेंस के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। सेकंड, जो आपके क्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका मैंने मेनली हाईलाइट क्वेश्चन देखा है कि आपको एक्टिवेशन लिंक नहीं मिलती है। सेकंड, जो यहाँ पर आपकी करेक्शन रहती है, अगर आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक किया अब हम किस तरीके से उसको करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर कोई इन सर्विस रहता है मेनली जो एस पी ओ कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके रिगार्डिंग यहां पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने फॉर्म सबमिट भी किया है तब भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अगर यहां पर फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तब भी यहां पर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी कोई नया अपडेट है एट द टाइम यहां पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेट एक्सटेंड के रिगार्डिंग बात करेंगे। जे के एस ने पहली बार यहाँ पर एक वंस नोटिस निकाला गया है डेट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप चेकआउट करना सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, यहाँ पर आप चेकआउट करना 8 अगस्त 2024 से आपके एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हुए थे और यहाँ पर जो आपका लास्ट डेट वो यहाँ पर 7 सितंबर 2024 5 बजे तक रहने वाला है, मीनस कल 5 बजे तक आपका फॉर्म का डेट यहाँ पर रहे। लेकिन अगर हम एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इन लोगों ने क्लियरली मैंशन किया, देर विल बी नो एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट फॉर द फॉर्म सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर दीज पोस्ट, मीनिंग यहाँ पर कोई भी डेट अब एक्सटेंड नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो यहाँ पर आपको आज ही अपना फॉर्म सबमिट करना होगा या कल दिन में यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। ये थी फर्स्ट क्वेरी। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि उनके पास यहाँ पर एक्टिवेशन लिंक नहीं आता। दोस्तों यहाँ पर आपको एक्टिवेशन लिंक आती है लेकिन यहाँ पर आप उसको अच्छी तरीके से चेकआउट नहीं कर। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है किस तरीके से आप अपने एक्टिवेशन लिंक फिर से हासिल कर सकते। यहाँ पर आप चेकआउट करना न्यू यूजर फॉरगेट पासवर्ड और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट एक्टिवेशन लिंक, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और जो भी यहाँ पर आपका नाम रहता है वो यहाँ पर आपको देना होगा। सारे डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा और यहाँ पर आपके पास एक लिंक आ जाएगी, उसके थ्रू यहाँ पर आपका जो एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल में सेंड किया जाएगा। वहाँ पर आपको पासवर्ड नया रखना होगा और आप लॉग। मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेरी देखी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर दिखा रहा है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप लोग ने जे के एस बी में ऑलरेडी कोई फॉर्म कभी भी भरा होगा तो यहाँ पर वो एरर दिखाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम देना होगा। यूजर नेम आपको किस तरीके से फाइंड करना होगा, जो आप लोगों ने प्रीवियस एप्लीकेशन भरी होगी वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जीमेल में जाना होगा, वहां पर एक सर्च बॉक्स रहता है वहां पर आपको जे के एस एस बी लिखना होगा, वहां पर एक मेल आया होगा ssb.web, वहां पर आपका यूजर नेम और वहां पर एक पासवर्ड आया होगा, यूजर नेम और एक्टिवेशन लिंक। वहां पर आपके पास एक यूजर नेम रहता है 199 ऐसे ही कुछ यूजर नेम रहता है, वो यहां पर आपको एंटर करना होगा और यहां पर आपके ईमेल पे एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा, उसके थ्रू यहां पर आप अपने पासवर्ड को रिसेट करोगे। फिर यहां पर आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करने के बाद इजी तरीके से अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सके, वही पासवर्ड देना जो आप लोगों ने रखा है। इस तरीके से यहां पर इस प्रोसेस को कंप्लीट। अब जो एसपीओ कैंडिडेट्स हैं वहां पर आपको क्या करना होगा, जैसे आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आप पुलिस प्रशासन में काम कर रहे हो वहां पर आपको यस देना होगा, नेक्स्ट अगर आप जे एंड के गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हो वहां पर आपको यस देना होगा। जो यहां पर सेकंड ऑप्शन है जे एंड के गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो वहां पर आपको यस देना होगा, जो पुलिस प्रशासन है वहां पर आपको नो देना होगा। इसके थ्रू यहां पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। अब यहां पर हमारे पास लास्ट क्वेरी रहती है रिगार्डिंग योर करेक्शन। अगर यहां पर आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक की है तो कौन कौन सी करेक्शन यहां पर आप ठीक कर सकते हो। एक्सेप्ट योर नेम पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा कोई भी चीज यहां पर रेक्टिफाई आप कर सकते हो। इस तरीके से यहां पर आपको ये समझना, अगर इन चीजों में आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक की है तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक नई रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो आप लोगों ने पहले की है वो ऑटोमेटिकली वहां पर कैंसिल हो जाएगी। अपने फॉर्म को यहां पर आप मिस मत होने दीजिए और नई रजिस्ट्रेशन की फी की यहां पर परवाह मत कीजिए, एक नया फॉर्म सबमिट कीजिए अगर यहां पर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आता है। रेस्ट जितने भी आपके पास क्वेरीज रहती है वो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर आप सारे प्रोसेस को कंप्लीट करोगे और जो यहां पर आपका एडिट ऑप्शन जब वो निकलेगा एट दैट टाइम यहां पर मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा, किस तरीके से आपको एडिट करूंगा, लाइव प्रोसेस वहां पर आपको दिखाने वाला हूं। आई होप आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, हमारे इंस्टा पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।